आग के पत्ते के सबसे पहले फायदे के बारे में जानते हैं। आप देखते होंगे गांव में जोड़ों के दर्द में अक्सर लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। तो यदि आप जोड़ों की समस्या से परेशान रहते हैं तो प्रभावित जगह पर आग की पत्तियों को बांध दीजिए। इसमें प्रदाह यानी कि जलन सूजन कम करने वाले गुण होते हैं जो कि गठिया और संधि शोथ जैसी प्रदाह संबंधी बीमारियों के इलाज में उपयोगी हैं। तुरंत राहत पाने के लिए इसकी पत्तियों को गर्म करके जोड़ों पर लगाइए। पत्तियों को गर्म करके आप चाहें तो लहसुन में पकाया हुआ सरसों ऑयल रख करके उस पर और लगा सकते हैं, सेक लगा सकते हैं। इससे आपको जोड़ों के दर्द से तुरंत राहत मिलती है। इसके अलावा ये हमारी स्किन की केयर भी बहुत अच्छे से करता है। जी हाँ, चेहरे के दाग धब्बों का इलाज करने के लिए 3 ग्राम हल्दी को आग के पौधे के दूध के साथ मिला करके आप जहां पर भी स्किन में प्रॉब्लम है वहां पर लगाइए। इससे खुजली से छुटकारा मिल जाएगा आपको आसानी से, और अलग अलग प्रकार के त्वचा रोगों का इलाज आसानी से इसके मदद से आप कर सकते हैं। स्किन के लिए बहुत अच्छी औषधि है ये। इसके अलावा पाइल्स यानी कि आप अगर बवासीर की बीमारी से परेशान हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। जी हाँ, बवासीर का इलाज करने के लिए इस जड़ी बूटी का उपयोग बहुत ही लाभकारी होता है। इलाज के तौर पर बाहरी रूप से आग के दूध को बवासीर के ऊपर लगाना होता है। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आग का दूध लेना है। जब आप ताजा तोड़ेंगे पौधे को तो तुरंत दूध निकलता है। उसी दूध को आपको जो बवासीर का जख्म होता है, घाव होता है पाइल्स का, उस पर लगा देना होता है। इससे घाव जल्दी सूख जाता है। इसके अलावा इसके औषधीय गुण घाव को भरने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इस पौधे के दूध को निकालिए और इस दूध में हल्दी को मिक्स कर लीजिए और त्वचा के प्रभावित क्षेत्र पर इस पेस्ट को आप आसानी से लगा दीजिए। इसके अलावा आप घावों पर मदार की पत्तियों को गर्म करके भी बांध सकते हैं, इससे भी राहत मिलती है। लेकिन घाव पर ज्यादा देर बांध के नहीं रखना चाहिए, घावों में थोड़ी आपको हवा भी लगनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना होता है। तो इसीलिए जब आप धूल कण वाले क्षेत्र में न हो तो हटा दें, लेकिन आप सेक लगा सकते हैं, इससे आपको तुरंत राहत मिलेगी और जल्दी ठीक होगा आपका घाव। इसके अलावा ये दांतों के दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए भी बहुत अच्छी औषधि है। यदि आप दांतों की किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हैं तो आपको आग का उपयोग करना चाहिए। दांत दर्द से राहत पाने के लिए आग के दूध को बस आपको मसूड़ों पर लगाना होता है, यानी कि जहां पर भी आपके दांत में दर्द हो रहा है वहां पर रुई के फाहे से इसका रस लगा लीजिए, यानी कि दूध लगा लीजिए, आपको राहत मिल जाएगी। इसके अलावा ये पांव के छालों को दूर करता है। यदि पैर में छाले हों तो आग के पौधे के रस का उपयोग कीजिए। पैर के छालों को ठीक करने के लिए छालों के ऊपर आग का दूध लगाना होता है, इससे आपको तुरंत राहत मिल जाती है। इसके अलावा एक बहुत ही घातक बीमारी है हैजा, इसको रोकने के लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। हैजा के इलाज के लिए इस पौधे की जड़ की छाल को अच्छे से साफ करना होता है और इसे सुखा करके इसका चूर्ण तैयार कर लेना होता है। इसमें अदरक का रस और काली मिर्च का चूर्ण मिला लेना होता है। इस मिश्रण में मटर के आकार की गोलियां बनानी होती हैं, यानी कि जैसे ही मिश्रण आपका रेडी हो जाए तो आपको गोलियां बना लेनी है। सामग्री आप नोट कर लीजिए कि क्या क्या बताया हमने आपको। अदरक का रस, काली मिर्च का चूर्ण, इन दोनों को आपस में मिलाना है। इससे आपको मटर के दाने के बराबर गोलियां बनानी है और हर 2 घंटे के बाद एक गोली आपको 1 चम्मच पुदीने के रस के साथ इसका सेवन करते रहना है। इससे आपका बुखार भी ठीक हो जाएगा और हैजा की बीमारी इससे दूर हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई बांझपन से परेशान है, बच्चा नहीं होता है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी औषधि है ये। महिलाओं की प्रजनन क्षमता बढ़ाने में आग बहुत उपयोगी है। इसके लिए सफ़ेद फूल वाले आग की जड़ को छाया में सुखा करके बारीक चूर्ण तैयार कर लीजिए। 1 ग्लास गाय के दूध के साथ 1 से 2 ग्राम आग के पाउडर का सेवन कीजिए, आपको लाभ होगा 100%। इसके अलावा भी आग एक ऐसा पौधा है जो बहुत सारे गुणों की खान है। जैसे कि पीले रंग की आग की पत्तियों को अच्छी तरह से धो करके सुखा लीजिए और इसका 1/4 कप रस निकाल लीजिए। इसमें 1/4 कप तिल का तेल मिला लीजिए। इसमें 1/4 कप लहसुन, कैलामस, दालचीनी और हींग भी मिला लीजिए। इसमें से कोई एक औषधि नहीं है तो भी काम चलेगा, ऐसा नहीं है कि ये सारा होना ही चाहिए। अब कम आंच पर अच्छे से पका लीजिए। सारी औषधियाँ रहेंगी तो अच्छी बात होगी कि स्ट्रॉन्ग बनेंगी आपका जो पेस्ट बनेगा। इसके बाद ठंडा होने के बाद एक बोतल में इसको भर लेना है। इस मिश्रण की कुछ एक बूंदे कान में डालिए, इससे कान की तकलीफ कम होने लगेगी। अगर किसी को भी कान बहने की या कान से मवाद आने की समस्या है तो उससे राहत पाने के लिए ये बहुत ही अच्छी औषधि
औषधियाँ हैं। इसके अलावा आग की पत्तियों पर घी लगा करके गर्म कीजिए, इसका रस निकाल करके कान में डाल सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। तो आग बहुत गुणकारी पौधा है, बहुत सारी बीमारियों में इसका इस्तेमाल भी हम सभी कर सकते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ इतने गुणकारी होने की वजह से भी और ये गुण जिस वजह से हैं वही गुण कुछ स्थितियों में हमारे लिए नुकसानदायक भी हो जाता है। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि किन किन स्थितियों में इसका इस्तेमाल और कितनी मात्रा में और कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहली बात तो आग का अधिक मात्रा में इस्तेमाल करना, सेवन करना खास करके हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में सेवन कर लेंगे आपको नुकसान होगा, इसीलिए अधिक मात्रा बिल्कुल ना लें। इसमें कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो हृदय को प्रभावित कर सकते हैं, इसीलिए ध्यान रखिए। इससे उल्टी आ सकती है या दस्त लग सकता है, ये भी ध्यान रखें। हृदय की धड़कन धीमी हो सकती है, चक्कर आ सकता है और विशेष परिस्थितियों में मृत्यु तक हो सकती है, इसीलिए भूल से भी इसको खुद से इस्तेमाल करने का रिस्क न उठाएं। हाँ, अगर आप जोड़ों के दर्द के लिए बाह्यतम तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो ठीक है, लेकिन जहां बात आ जाती है इसके सेवन की तो उसमें ध्यान रखें कि इसीलिए हमने अवॉइड किया सेवन वाली औषधि बताई ही नहीं आपको जिन बीमारियों में ये काम आता है। लेकिन मैक्सिमम बाह्यतम रूप से भी जब इस्तेमाल करें तो ध्यान रखें इसका दूध आंखों में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आंखों को नुकसान पहुंचाता है। गर्भावस्था और स्तनपान कराने वाली जो औरतें होती हैं वो इससे बच करके रहें, दूर रहें तो ही बेहतर होता है। लेकिन हाँ, सावधानी के साथ जोड़ों के दर्द के लिए ये सबसे अच्छे रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी औषधि है। या फिर फोड़े फुंसी घाव के लिए आप इसका इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी औषधि है। ये आज की वीडियो रही आप सभी के लिए जो कि आग के स्वास्थ्य लाभों से रिलेटेड रही। ऐसे ही स्वास्थ्यप्रद और नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए वीडियो, अगर आप सभी को पसंद आया शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और कमेंट कीजिए अगर आपके मन में कोई भी सेहत संबंधी सवाल हैं तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियोज जरूर बनाएंगे। फिलहाल इस एपिसोड से विदा लेते हैं, मिलते हैं नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने हुए हैं इस बात की बेहद खुशी है हमें, दिल से धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।